लक्ष्मी एक होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी से पहले वो जॉब भी करती थी, लेकिन शादी के समय उसने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वो शादी के तुरंत ही बाद नौकरी करे। माँ जी, आपने कहा था ना कि शादी के बाद मुझे जॉब करने देंगी, तो अब तो शादी को 2 महीने भी हो गए हैं, तो अब मैं जॉब कर सकती हूँ। बहू, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना जॉब। वैसे भी अभी तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? माँ जी, पहले भी तो नौकरी करती थी ना। पहले और अभी में बहुत फर्क भी तो है। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा घर परिवार को लेकर भी जिम्मेदारियां हैं। माँ जी, मैं तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ। मैं आपका सारा काम भी करके देती हूँ, आपकी सारी बात भी सुनती हूँ। कहाँ सुनती हो? अगर बात सुनती तो इतनी बहस करती मुझसे? हमें नहीं पसंद है कि हमारे घर की बहू नौकरी करे। चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। हमें घर का काम करने के लिए बहू की जरूरत थी, पैसे कमाने के लिए बहू की जरूरत नहीं थी। काम कर घर का चुपचाप। लेकिन माँ जी, आपने शादी के वक्त तो कहा था कि शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अब आप मना क्यों कर रही हो? अगर फिर मुझसे सवाल जवाब करे तो एक चौटा खींच के मार दूंगी। जुबान लड़ाना बंद कर और घर के कामों में ध्यान दे। चल जा यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा। अब यूं ही चलता सास लक्ष्मी से घर का सारा काम करवाती और नौकरों की तरह पेश आती। अजी सुनिए, मुझसे इतने बड़े घर का सारा काम अकेले नहीं होता है। आप सबने पहले तो कहा नहीं था कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन शादी के बाद तो मेरी जरा सी भी कोई भी मदद नहीं करवाता है। मुझसे सारा काम अकेले कैसे होगा? ये घर में वही होगा जो मेरी माँ कहेगी, समझ ले इतनी बात। माँ अगर तुझसे काम का कहेगी तो तुझे काम करना पड़ेगा। अगर तुझसे काम होता है तो भी तुझे करना पड़ेगा, और तुझसे नहीं होता है तो भी करना पड़ेगा। लेकिन इतना काम मैं अकेले कैसे करूं? मैंने कभी इतना काम नहीं किया। आप कुछ करिए ना प्लीज। अगर काम नहीं करना है तो चली जा ये घर छोड़कर। कोई जरूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। वैसे भी मेरी माँ ने मेरी शादी इसीलिए करवाई ताकि काम में उनको कोई सहारा दे सके। अगर तुझे नहीं सहारा देना है उन्हें तो चले जा घर छोड़ के, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है फिर। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ। और आज के बाद अगर मेरी माँ की कोई भी शिकायत उन्हें मुझसे करी तो इतना समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में अभी तक वही होता आया है जो मेरी माँ ने कहा है, और आगे भी वही होगा जो मेरी माँ कहेंगी। समझ गई इस बात को तू? और मुझसे कुछ भी शिकायत करी आज के बाद तो तू देख लेना तेरी क्या हालत करता हूँ। जी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। कुछ दिन बीतते गए और लक्ष्मी की हालत और खराब होती गई। कुछ दिन बाद लक्ष्मी की बहन जब घर आती है तब, अरे लक्ष्मी कैसी है तू? क्यों इतनी कमजोर हो गई है? खाना पानी नहीं मिलता क्या टाइम से? क्या कहूँ दीदी आपसे, दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ और खाना भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। क्यों, सारा काम तुझे करना पड़ता है? तेरे ससुराल वाले तो बहुत पैसे वाले थे ना, फिर कोई काम वाली नहीं रख सकते क्या वो? वो अपने बेटे के लिए बहू नहीं काम वाली ही लेकर आए हैं। सारा दिन मुझको काम वाली की तरह काम करवाते रहते हैं और सास पूरे दिन सेठानियों की तरह घूमती रहती हैं। जरा सा भी काम मुझसे खराब हो जाए तो कभी कभी तो सास मुझे मारती भी हैं। तू इस घर में रह क्यों रही है जब तेरे घर वाले तुझे इतना परेशान कर रहे हैं? चल वापस मम्मी पापा के साथ रहने लग, कोई जरूरत नहीं है तुझे यहाँ रहने की। नहीं दीदी, मैं मेरा घर परिवार छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अब तो जैसा भी जीना है यहीं जीना है। आप भी घर जाइए, मेरी सास आती ही होंगी, उनको पसंद नहीं आएगा आपका यहाँ आना। लक्ष्मी की बहन वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन एक दिन लक्ष्मी जब घर की सफाई कर रही होती है तब वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाती है। अरे अब इस कलमूही को क्या हो गया, कैसे बेहोश हो गई है? हाँ माँ, लगता है अब डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, ये तो बेहोश हो गई है। बुला ले बेटा, ये नास पिटी पैसे खर्च करवा कर ही रहेगी, कलमूही कहीं की। डॉक्टर जब लक्ष्मी को चेक कर रहा था तभी वहाँ पे लक्ष्मी की बहन आ जाती है और उसे इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। हाय मेरी छोटी बहन पर न जाने यहाँ कौन से अत्याचार हुए हैं जो इतना बीमार हो गई है मेरी छोटी बहन।
आपकी बहन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब लग रही है। अगर इसके ससुराल वाले इसे परेशान करते हैं फिर तो हमें पुलिस कंप्लेन करवानी ही पड़ेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, कोई पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं। हम तो बल्कि उसे बड़े अच्छे से रखते हैं। हम नहीं अपनी बहू को परेशान करते। सच में बेटा, लक्ष्मी की बहन, तुम जो कहो हम वो करेंगे, लेकिन हाँ, पुलिस नहीं बुलाओ बेटा। अत्याचार तो आप करती ही हैं उस पर, लेकिन अब आपको वादा करना पड़ेगा कि आप उस पर कोई अत्याचार नहीं करेंगी। बिल्कुल मेरी बहन को परेशान नहीं करेंगी और उसे चैन से रखेंगी। एक बहू की पूरी पूरी इज्जत देंगी उसे, कहिए। अरे बेटा, हम तो यूं ही अपनी बहू पर कोई अत्याचार नहीं करते, पर तुम कह रही हो तो अब से जरा काम भी नहीं करवाएंगे उससे घर का। लेकिन पुलिस पुलिस मत बुलाओ। आज तक इस घर में पुलिस नहीं आई, अब भी नहीं आनी चाहिए बेटा। दीदी गुस्सा मत करिए, ये सब परिवार वाले ही हैं अपने। इस तरह लक्ष्मी का बेहोश होकर नकली डॉक्टर बुलाने का नाटक काम आ जाता है और उसके ससुराल वाले उससे खराब और नौकरों की तरह पेश आना बंद कर देते हैं।